हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाया जी चैनल में। और काफ़ी सब्सक्राइबरों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप पाया जी चैनल पे हिंदी में वीडियो अपलोड कीजिए, हिंदी में पज़ल सॉल्व कीजिए। तो आज पहली बार पाया जी चैनल में हिंदी में पज़ल सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे हम पढ़ेंगे। एक पहली, जो एक दुकान में 1 रुपये की 3 चॉकलेट मिलती है, ओके, और चॉकलेट के 3 कवर वापस देने पर वो 1 चॉकलेट फ्री में देता है। मतलब हमें 1 रुपये में 3 चॉकलेट मिलेगी, और वो 3 चॉकलेट खाने के बाद जो उसका कवर रहता है, जो रैपर रहता है, अगर वो हम उसे वापस देंगे तो वो 1 चॉकलेट हमें एक्स्ट्रा देगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 15 रुपये में कितनी चॉकलेटें आएगी। तो ऊपर का ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने से हमें ये सॉल्व करना है कि 15 रुपये में हमारे पास कितनी चॉकलेट हम खा पाएंगे, कितनी चॉकलेटें हम खरीद पाएंगे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत सी आसान पज़ल है, और थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। तो पहले तो हम देख लेते हैं 15 रुपये में हमारे पास पहले कितनी चॉकलेट आएगी। तो 15 रुपये में आप देखोगे 1 का 3 है, तो 15 का 45 हो जाएगा, ओके। तो अभी फ़िलहाल हमारे हाथ में 45 चॉकलेट्स है, ओके। सो अब 45 चॉकलेट्स हम जब खा लेंगे, तो उसके जो 45 रैपर्स होंगे, वो हम अगर दुकानदार को वापस देंगे तो 3 रैपर पे वो हमें 1 चॉकलेट देगा। तो हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अभी 15 चॉकलेट हो गए। तो पहले के 45 जो आप नीचे देख रहे हो, 45 पहले की चॉकलेट, और अभी जो हमारे हाथ में फ़िलहाल है 15 चॉकलेट। तो टोटल अभी हमारे हाथ हो गए चॉकलेट 60, 15 रुपये की 60 चॉकलेट हो गई, ओके। अब हमारे हाथ में 15 चॉकलेट है। अब इस 15 चॉकलेट को हम अगर मिल के खा लेंगे, तो उसके जो रैपर बनेंगे, तो उस रैपर को हम अगर रिटर्न करेंगे, तो 3 रैपर का 1 चॉकलेट मिलेगा, तो 15 का हमें 5 चॉकलेट मिलेगा। तो अगर आप नीचे देखोगे तो अभी हमारा टोटल चॉकलेट कितना हो गया, 45 प्लस 15 प्लस 5। मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप देखोगे पज़ल के नीचे, पिक्चर के नीचे, तो आप देखोगे 45 प्लस 15 प्लस 5। तो अभी हमारे पास 65 चॉकलेट हो गया। और अभी 5 चॉकलेट जो टॉप राइट में आप देखोगे, पहली के राइट साइड में, तो अभी जो हमारे हाथ में जो चॉकलेट है वो पहली के राइट साइड में रहेगा। तो 5 चॉकलेट अभी हमारे हाथ में है, ओके। अब ये 5 चॉकलेट, अगर हम 5 चॉकलेट का तो हमें नहीं मिलेगा टोटल 2 चॉकलेट, तो अभी हम 5 में से 3 चॉकलेट दुकानदार को देंगे, तो वो हमें 1 और चॉकलेट देगा। तो आप अगर नीचे टोटल कैलकुलेशन देखोगे, 45 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 1, तो इक्वल टू 66 होता है। और अभी भी हमारे हाथ में 3 चॉकलेट है, क्योंकि पहले के 3 चॉकलेट जो 5 में से 3 हमने दिए, तो 2 बचे थे, और ये जो 3 रैपर दिए, तो उसमें 1 और हमें मिला, तो 1 और चॉकलेट। तो मतलब अभी हमारे पास 66 प्लस 2 प्लस 1, मतलब वो 3 रैपर का हमें 1 और चॉकलेट मिलेगा, मतलब 66 प्लस 1, मतलब हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 67। तो इस पहली का आंसर है 67। सो दोस्तों, होप आपको ये पज़ल समझ में आया, और ये छोटा सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट कीजिए आपको ये मेरा पज़ल का चैनल कैसा लग रहा है, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।